मैं प्रिया आपके साथ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जेल से निकलने के 18 घंटे बाद देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का लोकतंत्र एक धागे में लटका हुआ है, इसे केवल न्यायपालिका ही बचा सकती है। इमरान ने आगे कहा कि जेल जाने से बचाने के लिए न्यायपालिका शुक्रगुजार हूँ, उन सभी लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने शांतिपूर्वक मेरा सपोर्ट किया। वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खान की गिरफ्तारी के समय हिंसा फैलाने वालों को 72 घंटों में गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकियों को जल्द गिरफ्तार कर मिसाल पेश की जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान के काफी हिस्सों में लोग अभी भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इससे पहले खान को इस्लामाबाद और लाहौर हाईकोर्ट से एक साथ 3 राहत मिली थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अल कादिर यूनिवर्सिटी केस में उन्हें 2 हफ्ते के लिए जमानत दे दी थी। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा खान को किसी भी केस में 17 मई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। वहीं लाहौर हाईकोर्ट के पूर्व पीएम को 4 केस में 22 मई तक जमानत देते हुए 15 मई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जेल से लौटने के बाद भी इमरान खान ने फौज पर बयानबाजी जारी रखी। उन्होंने कहा फौज में लोकतंत्र जैसा कुछ नहीं है, ये सब आर्मी चीफ के इशारे पर हुआ है। उन्हें डर है कि अगर मैं सत्ता में आया तो उन्हें हटा दूंगा, हालांकि मैं ऐसा नहीं करने वाला और ये मैंने उन्हें बताया। मैं फौज और उनके चीफ के साथ अच्छे रिश्ते चाहता हूँ। वहीं शुक्रवार को पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा हम देश में मार्शल लॉ नहीं लगाएंगे, हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान कैबिनेट में इमरजेंसी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। इससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसला सुनाने के बाद इमरान उसकी कॉपी लेने के लिए रात 10:30 बजे तक कोर्ट में ही थे। इसके बाद वो अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ लाहौर के लिए रवाना हो गए। इमरान को इतना रिलीफ मिलने पर होम मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह ने जियो न्यूज से कहा मुल्क क्या दुनिया के इतिहास में किसी भी आरोपी को एक साथ और बिना शर्त इतनी राहत कभी नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कुर्सी से उठकर इमरान का स्वागत करते हैं, जमानत के बाद उन्हें विश यू ऑल द बेस्ट कहते हैं।